Students, so how are you all? I hope that everyone is fine. Yes, class, you have to take care of yourself because अगर health is not okay, अगर health अच्छी नहीं है, then ultimately आपकी studies affect हो जाएंगी, right? So yes, we will be taking care of our health and then simultaneously we will be studying. Okay, so with this good note, class, I'll just welcome you all to an academy platform and जो भी बच्चे मेरी क्लासेस रेगुलरली देखते हैं दे नो हम ऑलरेडी पास्ट में क्या पढ़ चुके हैं एंड इवन टुडे हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। लेकिन जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम इधर न्यू लर्नर्स हैं, सो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारी क्लास का एक फंडा होता है, राइट, ये टेंशन नहीं लेना एंड रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। ये दो फंडे हैं। सो बेसिकली हम कैसे, हमने बहुत सारी क्लासेस ना, हमने जो पास्ट में ली है, पहले जितनी भी क्लासेस ली हैं हमने बहुत इंटरेस्टिंग वे से की है। अब ये क्या इंटरेस्टिंग, हमने एक्सपेरिमेंट्स करे, हमने क्विजेस करे, राइट, हमने कितना डिस्कशन करके वी कंप्लीटेड दैट चैप्टर, बहुत एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। तो क्लास, इवन अभी हम आगे भी जितने भी, वेदर इट्स बायो, वेदर इट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री, हम सारे चैप्टर्स हम बहुत एक्सपेरिमेंट से करेंगे। आपको बिल्कुल बेस स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, फोकस ऑन दी बेस थिंग, ठीक है। एट्थ में जो पढ़ लिया डन, लेकिन नाउ आप नाइन्थ में हो, हम क्या बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। साइंस का आपको यहीं से ही एक एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है क्लास। सो विद दिस गुड नॉट दैट यू नो वी विल फोकस ऑन द मीनिंगफुल लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड हम लर्निंग को बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाएंगे। सो क्लास विद दिस गुड नॉट लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। सो क्लास टुडे वी विल बी फोकसिंग ऑन चैप्टर नंबर टू जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या जो मैटर है हमारे, आप सबको पता है, आई एम डैम श्योर आपको पता होगा कि मैटर क्या होता है। मैटर आस पास में जितनी भी चीजें दिख रही हैं आपको, वो सब मैटर है। सो क्या वो प्योर है, एज इन मैटर जो भी चीज आपके जो स्पेस और मास ऑक्यूपाई करता है उसे मैटर कहते हैं। क्या वो प्योर है, क्या वो प्योर है, क्या मतलब है मेरा प्योर से, राइट। अगर आपने, यहाँ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, अगर आपको अभी आइडिया नहीं आ रहा है कि मैम प्योर क्या बोल रहे हैं, सो आप मेरे ऑलरेडी यू नो आई ऑलरेडी टोक 3 क्लासेस ऑन द सेम चैप्टर, आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरी रोज क्लासेस 5 o'clock क्लास अपार्ट चैनल पे ही होती है। तो आप मेरी क्लासेस यू नो इसी चैप्टर का, चैप्टर 2 का 3, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देख सकते हो। अदर देन दैट चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 भी कवर कर दिया है, या फिर इनके अलावा इफ यू वांट कि मैम ये चैप्टर पढ़ाओ, आई हैव प्रॉब्लम इन दिस, यू कैन सजेस्ट इट, यू कैन सजेस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, इट इज ओपन फॉर यू ऑल। एंड क्लास यस, we will be learning in a very very fun way and ye fun tabhi hoga jab aap kya honge attentive, right, jab aap sab kya honge attentive tabhi ye kya banega fun banega and hum bahut sare experiments karenge, ye aap sabko pata hai hum bahut sare experiments karenge, this is the lovely part of science. Okay class, so before starting the session let me just quickly introduce myself. As you all know, but you know the students who just joined, who are new, so class, I am Rashmi Yadav and I'm graduated from Lady Shri Ram College from women, and you know I currently I am a TGT teacher and in an academy I am from K-12 category. And class, I taught many students on both the platform, that is online and offline, so here I am to teach you all and to make you all masters of science, right, yahan se yahan aayenge hum sab, right. Okay, so class, yes, you can ace your school, this word is really important, you know, it's, you are really lucky, this Unacademy, it's one of the best and you know biggest platforms, biggest study platform. And why I am saying this, you will get top educators, you will be learning under them, theek hai, top educators aapko sikhayenge, aapke doubts clear karenge, aapko notes provide karenge, right, pure time to yahi dimag mein rehta hai ki notes banane exam aane wale, theek hai, to aapko notes bhi provide kare jayenge. So class, what you can do is, you know, you will be just downloading the app Unacademy Learners app. It is easily available in the Play Store. Play Store पे बहुत easily available है, ठीक है,
सब्सक्रिप्शन आप वहां पर जाके जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपको सब्सक्रिप्शन के लिए पूछा जाएगा. यू कैन यूज दिस कोड, दिस ऑफर इज गोइंग ऑन. ये आप कोड यूज कर सकते हो RAY10, आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा. क्लास दिस इज योर बेनिफिट. ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हो YouTube पे, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन YouTube एंड यू नो व्हाई यू नीड टू टेक सब्सक्रिप्शन. योर फोकस एरिया विल बी इंक्रीज्ड. आपको गाइडेंस गाइडेंस के लिए कर रहे होते. अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आप ना ट्यूशन ले लो, ट्यूशन आप सबके साथ लोगी या फिर आप पर्सनल ट्यूटर लोगी? पर्सनल ट्यूटर. व्हाई? बिकॉज वहां पर आपको गाइडेंस अच्छी मिल रही है, फोकस आपका ज्यादा है. राइट? सो क्लास किस चीज की देरी, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? Right, so go quickly after this session, download the Unacademy Learners app and just take the subscription. So aapke liye hi a little hai, I'll tell you the list. This can you see over here, class 9, 10, 11 and 12. So this is the subscription pitch. So class, this is a two list, number one list and two list. You can see kuch money mein difference aa raha hai. So class, kyun difference hai? आप ये जो मैं अभी बोल रही थी, ये जो ऑफर चल रहा है RAY10, अगर आप ये यूज करते हो, सो अगर फॉर एग्जांपल आप 48 मंथ का लेते हो, सो यहाँ पर यू आर पेइंग 833 पर मंथ और यहाँ पर यू आर पेइंग 750 पर मंथ. हो गया ना कम जस्ट बाय यूजिंग दिस कोड. ठीक है, आई विल रिकमेंड यू टू टेक, यू नो बेस्ड ऑन योर कंफर्टेबिलिटी यू कैन टेक, बट आई विल रिकमेंड कि आप 48 मंथ का लो, क्योंकि आप यहाँ पर देखो अगर आप 3 मंथ का भी लेते हो तो आप एक यू नो ओनली इन अ मंथ आप इतना स्पेंड कर दोगे, जबकि यहाँ पर यू विल बी जस्ट पेइंग 833. नॉट इवन दैट, 10% ऑफ तब कितना हो गया, 750 पर मंथ. दैट्स इट. सो क्लास किसी चीज की देरी नहीं है, गो एंड दे 67% ऑफ. टेक इट इफ यू वांट टू टेक फॉर 48 मंथ, दैट विल बी ग्रेट. नहीं लेना 36 मंथ, 24 मंथ, सो दिस इज बेस्ड ऑन योर कंफर्टेबिलिटी. ठीक है, ओके. सो क्लास यू नो व्हाई आई एम आस्किंग यू टू टेक सब्सक्रिप्शन, दीज आर सम फीचर्स. क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे मैम हम तो यूट्यूब भी तो पढ़ रहे हैं तो हम सब्सक्रिप्शन क्यों ले, है ना? तो ये ना मेरे भी दिमाग में था कि क्यों लेना चाहिए, बट मैंने जब ये देखा ना सब्सक्रिप्शन पिच, मैंने एंड पिच, जब मैंने ये पिच भी देखा, मैंने ये देखा अरे 750 इतने का तो खाना ही मैं यू नो पार्टी कर करके खत्म कर देते, तो क्यों ना हम थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा मनी इन्वेस्ट अगर यहाँ कर दें तो हम यहाँ से यहाँ आने के ज्यादा चांसेस हैं, सो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इट. फिर मैंने देखे यहाँ पर कुछ फीचर्स भी हैं, तभी मेरे को सब्सक्रिप्शन लेने का बहुत मन करा. ठीक है, सो यहाँ पर देखो यू विल बी लर्निंग एट योर होम. कंफर्ट, कंफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, कंफर्ट आप अपने घर पे बैठ के क्लासेस ले सकते हो एंड अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ कोर्स. कोई मर्जी कोर्स लेना, एक बार सब्सक्रिप्शन आप लो, आपके पास जो मर्जी आपको कोर्स लेना है दैट विल बी अनलिमिटेड, यू कैन टेक इट. टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, हाँ, एंड आपके रेगुलर डाउट सेशंस होंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास. अभी यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे आप क्लासेस लगा रहे हो, आप सुन रहे हो, लेकिन डाउट तो रह रहे हैं ना. डाउट यहाँ पर अनअकैडमी क्लियर करता है. आपके जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो हर एक बच्चे पे गाइडेंस होती है एंड बोर्ड एजुकेटर्स आपको पूरा हेल्प करते हैं थ्रू आउट योर टेन्योर. ठीक है, ओके. फुल कवरेज ऑफ सिलेबस, सिलेबस आपका पूरा कवरेज होगा. ऐसे डरना नहीं कि मैम अभी तो हम यही चैप्टर कर रहे हैं, वो कब करेंगे. पूरा कवर होगा आपका सिलेबस बहुत अच्छे से, बहुत डीपली. और गाइडेंस होगी, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे. ये जो मैं बात कर रही थी नोट्स के बारे में, तो स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे. क्लास आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है कि गूगल कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप सीधा आपको हम काम करके देंगे. ठीक है, हम डाउट क्लियर करेंगे आपका, हम ही आपको प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, आपको स्टडी मटेरियल देंगे, आपको जस्ट आना है, दैट्स इट. लाइव टेस्ट सीरीज होंगे, राइट? सो दीज आर दी सच अ ग्रेट फीचर्स. सो आप डेफिनेटली नाउ आफ्टर सीइंग दिस फीचर्स, इट्स ऑन यू टू यू नो वेदर यू वॉन्ट टू टेक अ सब्सक्रिप्शन, वेदर यू नीड टू बी फोकस्ड टुवर्ड योर स्टडीज और नॉट. ठीक है, सो हमने दीज आर सम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. For example, personal mentor. So personal, so it will be a personal guidance. Ki, you know, if that will be great. Agar hamara personal guidance hota hai, teacher aapki weakness and strength bahut achhe se janta hai, right?
तो आपके ज्यादा इंप्रूवमेंट होने की चांसेस हैं। लाइव डाउट सॉल्विंग होगा, वीकली रिपोर्ट, दिस इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। बच्चे टेस्ट तो देते रहते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं मिल रही है, कहाँ कम हो रहे हैं कहाँ ज्यादा हो रहे हैं, वीकली रिपोर्ट्स विल बी प्रोवाइडेड। पेरेंट कॉन्टैक्ट, सो बेसिकली यू नो इफ यू आर स्टडिंग एट योर होम, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर टीचर ऑल्सो एंड फॉर पेरेंट्स ऑल्सो टू कनेक्ट विद ईच अदर, राइट। ऐसा तो नहीं है कि अभी आपको पढ़ने का टाइम है एंड आप साइमल्टेनियसली घर में कहीं और इंडल्ज हो, सो दैट्स वाई पेरेंट्स के साथ भी कनेक्ट होते हैं कि ये स्टडी मटेरियल है, ऐसा हमारा प्रोसीजर होगा, एंड पेरेंट्स के दिमाग में भी रहता है कि ये यू नो बच्चा ऐसे काम करने वाला है, सो बीच में कोई हर्डल नहीं आएगा, ठीक है। स्टडी प्लानर होगा, फुल टाइम टेबल आपका हम ही सेट करके देंगे इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, एंड आप को बस सब्सक्रिप्शन लेना है और इन सारे बेनिफिट्स को उठाओ, व्हाई नॉट टू अवेल इट, राइट। आपको यूट्यूब पे ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आप आओ क्लासेस लो एंड आप चाह रहे हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हो दैट विल बी हेल्पिंग यू, विल बी इंक्रीजिंग द फोकस एरिया ऑफ योर्स, राइट। तो हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ और के बारे में, जिसमें हम ये देख रहे थे कि एक सेपरेशन ऑफ ज्ञान और का हम सेपरेट कैसे करते हैं। इस जो प्रोसेस है सेपरेशन का, इसी को हम कंसंट्रेशन ऑफ और कहते हैं। क्लास अगर आपने मेरी पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, गो एंड ज्वाइन एंड सी दैट क्लासेस। आज ये कल के कंटिन्यू में है, जैसे बाहुबली में था ना टू बी कंटिन्यूड, वैसे ही ये जो क्लास है ये कंटिन्यू में है लास्ट क्लास से। हमने ये जो प्रोसेसेस है कंसंट्रेशन ऑफ और के अंडर, फिल्ट्रेशन पढ़ चुका है, मैग्नेटिक सेपरेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सब्लिमेशन डन, सेपरेटिंग फनल डन, वैपोरेशन डन, एंड नाउ इन यस्टरडेज क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिस्टिलेशन। सो बेसिकली डिस्टिलेशन का हमने इंट्रोडक्शन देखा था, डिस्टिलेशन क्या होता है, क्यों करते हैं, दो हमारे पास प्योर लिक्विड है उसको सेपरेट क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, हमने इसका इंट्रोडक्शन करा था। आज इसका हम करेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है क्लास। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी कैन स्टार्ट विद आवर सेशन। सो कल इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाने के बाद हमने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करा था जिसमें हमारे पास जो मिक्सचर है, दो लिक्विड का मिक्सचर है, वाटर एंड एसीटोन, हमने उसको क्या किया, बॉइल, क्योंकि हमें ये पता था कि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 56 एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100। सो इस बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस, यही प्रिंसिपल है हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस के पीछे। तो ये जो इतना बड़ा बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस है, हम इसका फायदा उठा रहे थे, हमने सोचा अगर हम हीट करेंगे तो कुछ तो इवेपोरेट होगा। सो जिसका बॉइलिंग पॉइंट है कम वो जल्दी इवेपोरेट होगा और वो जो लिड था उस लिड के ऊपर हमारे पास आ जाएगा एसीटोन और नीचे रह जाएगा पानी। बट क्लास ये जो प्रोसेस है ये हमारा अनसक्सेसफुल रहा, बिकॉज हमारा जैसे ही 56 आया हमारा एसीटोन बॉइल होने लगा, लेकिन कैन यू सी हमारा एसीटोन मिक्स भी हो जाने की चांसेस है, एंड हम टेम्परेचर में भी कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। एंड मिक्सचर हमने अभी डिस्कस करा, मिक्स होने की बहुत ज्यादा चांसेस है, ऐसा नहीं है आपके पास एसीटोन बिल्कुल प्योर एसीटोन आपने अलग निकाल लिया है एंड वाटर बिल्कुल अलग कर लिया है, नहीं, मिक्स होने की चांसेस 99.9 है, ठीक है, इतनी ज्यादा चांसेस है मिक्स होने की। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस हमने किया इतना सोच के, ये हमारा प्रोसेस था गलत। इसका प्योर प्रोसेस, इसके पीछे रीजन है डिस्टिलेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस करेंगे तो ये जो है हमारे पास जो हमारा, जिसके वजह से लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली हो सकता है सिर्फ डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज करके। तो यहाँ पर हमने ये देखा डिस्टिलेशन प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, ये एक मेथड है, सेपरेशन मेथड है, जिसमें हमारे पास दो या दो से ज्यादा कैसे लिक्विड, मिसिबल लिक्विड, मिसिबल मतलब जो एक दूसरे से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, राइट, एक दूसरे से हो जाए मिक्स। सो वैसे सब्सटेंस को हम मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं।
इन दोनों मिसेबल, दो या दो से ज्यादा मिसेबल लिक्विड्स को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। कैसे? इसका प्रिंसिपल है ये, इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। हमारा एसीटोन ए हैज व्हाट बॉइलिंग पॉइंट, क्या है? 56 डिग्री सेल्सियस। वेयर ऑन अदर हैंड वाटर हैज 100 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस डिफरेंस के वजह से हम इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से करेंगे दो मिसेबल लिक्विड्स को अलग। सो क्लास, हमने कल जो इंट्रोड्यूस करा था दैट वाज ऑल अबाउट सेटअप, कि ये जो सेटअप है इसमें हमने एक एक पार्ट के बारे में पढ़ा था। ये हमने देखा था बर्नर है, राइट? हमने देखा बर्नर है, ये फ्लास्क था, थर्मामीटर है, कंडेंसर, दिस इज स्टैंड, दिस इज वाटर आउट, वाटर इन, और दिस इज बीकर, दिस इज अगेन ट्यूब, इधर यू कैन से फ्लास्क। ठीक है, इतने सारे टाइप है। अगर आप एग्जाम में आपको बोला जाए कि आपको बनाना है, ड्रॉ करना है डिस्टिलेशन प्रोसेस को, और आपको एक्सप्लेन करना है कि हम दो मिसिपल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करें, सबसे पहले लिखो प्रोसेस का नाम कि ये है एक डिस्टिलेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड। ओके, उसके बाद देन ड्रॉ दैट डायग्राम जो हमने कल दिखाई थी। तो उस डायग्राम को अच्छे से आप ड्रॉ कर सकते हो, एंड लेबलिंग इज मस्ट, यू हैव टू लेबल इट, लेबल करो, एंड देन वी विल बी सीइंग। उसके बाद आप पूरा प्रोसीजर लिखोगे, लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए प्रोसीजर। तो क्लास, हमने क्या किया, ये जो फ्लास्क है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है रोल। इस फ्लास्क के अंदर हमने क्या रख दिया, मिक्सचर रख दिया मिसिबल लिक्विड्स का। सो यहाँ पर है हमारे पास एसीटोन और वाटर, ठीक है, एसीटोन है और वाटर है। हमने क्या किया, फायर करी, इग्नाइट, फायर कर दी। अब क्या होगा, पानी को भी गैस पे रखते हो, क्या होता है, पानी उबलने लगता है, गर्म होगा पानी, पहले बर्तन गर्म होता है फिर पानी गर्म होगा। तो यहां पर भी आपने जैसे ही फायर दी बर्नर से, आपका ये फ्लास्क गर्म होने लग गया, ये फ्लास्क गर्म हो रहा है, ये जो अंदर की जो लिक्विड है मिसिपल लिक्विड है ये भी क्या होगा, गर्म होगी, है ना। इसके पार्टिकल्स, अब ये हमने क्लास बहुत बार पढ़ा है कि अगर हमारा टेम्परेचर हम प्रोवाइड ज्यादा करें तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब है बेसिकली पार्टिकल्स की मूवमेंट। अगर मानो आपको लग रही है गर्मी, आप अकेले एक यू नो ऐसे सिंगल ऐसे बैठे तो नहीं रहोगे, स्टेबल सिचुएशन पे नहीं होंगे, क्या करोगे, यहां से वहां भागोगे, कहीं तो हवा मिले। वही इन पार्टिकल्स के साथ हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पार्टिकल्स भाग रहे इधर से उधर, स्पेस बचा ही नहीं, बिकॉज पहले पार्टिकल ऐसे पास में रखे हुए थे, अब बढ़ गया टेम्परेचर, पार्टिकल दूर दूर मूवमेंट बढ़ रही है, अब वो दूर दूर ऐसे भाग रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर ये जो फोर्स था, अट्रैक्शन था, वो बचा ही नहीं, पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन बचा ही नहीं। अब वो ऐसे दूर दूर जा रहे हैं, तो स्पेस क्या है, स्पेस पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस। तो क्लास, जैसे ही हमारे पास यहां पर आया 56 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हमारा क्या हुआ, एसीटोन इवेपोरेट होने लगा। एसीटोन हमारा ऐसे भी इवेपोरेट हो जाता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 56 पे आते ही वो इवेपोरेट होगा। आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी रखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल नेल रिमूवर रूम टेम्परेचर पे ओपन, यू नो उसका कैप ओपन करके आप ऐसे रखो, ये तो बहुत गंदा बना दिया मैंने, आप ओपन कैप करके रखो नेल रिमूवर को, धीरे 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 आप देखोगे अरे खाली बॉटल है, एसीटोन उड़ गया। तो ये तो आप रूम टेम्परेचर पे भी चला जाता है, उड़ जाता है, लेकिन अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो जैसे ही 56 डिग्री सेल्सियस आएगा ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। पानी इवेपोरेट नहीं होगा, पानी होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट। तो पानी फ्लास्क के अंदर है हमारा, हम एसीटोन को येलो कलर से शो कर सकते हैं,
तो ये हमारा एसीटोन हो रहा है इवेपोरेट, ऊपर ऊपर एसीटोन है। अब वो ऊपर तो नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये जो चीज दिख रही है ये है कॉर्क। कॉर्क किस काम आ रही है? बेसिकली एयर टाइट सील की तरह काम आ रही है कि ये जो वेपर्स हैं एसीटोन के ये बाहर नहीं चले जाए, ये रहे यहीं पर इसी फ्लास्क के अंदर रहे, क्योंकि हमें सेपरेट करना है, हमें उड़ाना नहीं है एसीटोन को, हमें एसीटोन कहीं और दूसरे बीकर में चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ लगा दिया कॉर्क। अब पूरे फ्लास्क में 56 डिग्री सेल्सियस आते ही पूरे फ्लास्क में हो गया इवेपोरेट होते होते, आपका वेपर फॉर्म में आते आते एसीटोन बढ़ गया पूरे फ्लास्क। लेकिन यहाँ तो स्पेस है, क्या करेगा आप, यहाँ से हमारा एसीटोन जाएगा। अब ऑफ कोर्स ही बात है, आप एक पूरे मान लो मटका है आपके पास, ये मटके का शेप है, मटका है आपके पास, एक टाइम तक आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इतना भर गया, अब उसके पास स्पेस चाहिए, कहाँ जाए, एक जगह दिख रही है जाने की, तो वो वहां से क्रॉस करेगा पानी, वहां से ये वेपर क्रॉस करेगा, मटके में पानी, यहाँ पर ये वेपर एसीटोन के क्रॉस कर। ओके, अरे ये कहाँ घुस गए, ये एक कंडेंसर, दिस इज नोन एज कंडेंसर, ये जो आपको पर्पल कलर का दिख रहा है ये एक कंडेंसर है। क्यों बोल रहे हैं कंडेंसर, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये जो पतली बीच में ट्यूब है, यहां से आपका जाएगा, आपका क्या जाएगा, यहां से आपके वेपर्स। तो हमने इतनी बड़ी टॉप ट्यूब क्यों बनाई, ऐसी पतली लाइन भी तो बना सकते थे, हमारा वेपर जा ही इसी रहा, यहां से ही रहा है, तो इतनी बड़ी क्यों बनाई और ये होल क्यों बनाए क्लास, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये वेपर क्या है, गरम है ना, आपके पास ये वेपर फॉर्म में है। याद करो, आपको याद होगा हम लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड हमारे पास हो गया वाटर, हम गैस में कैसे करते हैं, हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो गैस में बन जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग, बॉइलिंग कहते हैं, राइट। तो इससे हमारा लिक्विड से गैस में बनता है, जो हमारा प्रोसेस यहां पर हो रहा है, हीट प्रोवाइड करी, लिक्विड से हमारा गैस में बन गया। ओके, हमने एक और प्रोसेस पढ़ा था, गैस से हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होना, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, तो क्या प्रोसेस था वो, हमने देखा था कंडेंसेशन, बोला था कंडेंसेशन, आपकी जो बारिश होती है, ये जो बारिश होती है आसमान से आपको दिखता है बारिश आ रही है, वो यही हो रहा है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, बहुत सारी गैस है, वो आपको बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स बन गए, इतनी गैस इकट्ठी हो गई तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो क्लास, गैस से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हुआ, आपके पास यहां पर है गैस गैस गैस, लेकिन जैसे ही आपके पास, जैसे ही उसको ठंडे सरफेस में रखोगे, सब्लिमेशन का याद करो, यहाँ पर सब्लिमेशन विल बी एन अमेजिंग एग्जांपल। क्या है सब्लिमेशन का एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपने ये फ्लास्क रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे आपने इन्वर्टेड फ्लास्क रखा हुआ है, अच्छे से बनाते, ये आपके पास इन्वर्टेड फ्लास्क है और ये चाइना डिश है। आपने क्या किया, यहाँ पर तो बीच में क्या रखा था, अमोनियम क्लोराइड रखा हुआ था और सॉल्ट भी मिक्स था, हमने हीट प्रोवाइड करी, अमोनियम क्लोराइड आपके क्या होने लगा, हीट से इवेपोरेट होने लगा, वो ऊपर जा रहा है, यहाँ का सरफेस है थोड़ा सा ठंडा, तो गैस को जैसे ही ठंडा इन्वायरमेंट मिलेगा क्या होगा, वो यहाँ डिपॉजिट होने लग गया, क्योंकि जैसे ही आपको मिला एक गैस से, वो यहाँ तो ये तो ऐसा सब्सटेंस है कि यहाँ लिक्विड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ये तो नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो बस बेसिकली मुझे इस एग्जाम्पल से क्या समझाना था कि अगर आपके पास कोई ऐसा सब्सटेंस है जो अगर एक यू नो गैस फॉर्म में है और जैसे ही कोल्ड इन्वायरमेंट में आता है वहां पर वो लिक्विड बन जाता है, ठीक है। सो क्लास, नाउ नाउ वी विल हैव अ लुक। Yes, now we can see, हमारा यहां से वेपर जाते जाते एसीटोन का
यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, इस बीच बीच ट्यूब से जा रहा है। तो इतना गर्म जो ये एसीटोन के वेपर्स आए हैं, ये तो यहां पर भी गैस ही निकलेगी बट पानी में निकल रहा है। कैसे? हमारा गैस इसके अंदर गैस लिक्विड में बना है। कैसे? क्योंकि क्लास यहां पर जो हमारा ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, या ये जो आपको दिख रही है पर्पल कलर की इतनी बड़ी ट्यूब, यहाँ है ठंडा पानी। ठंडा पानी पूरे इस बीच वाली ट्यूब को कवर कर रखा है ठंडे पानी ने। आप सोचो, आपने ना दूध पीना है, आपके पास है मग, गरम गरम, आपने अभी अभी बॉईल किया है, अभी अभी दूध डाला है मग के अंदर, गरम गरम है। आप क्या करोगे? आप एक बड़ा सा पतीला लोगे, कोई भी यूटेंसिल लोगे, उसके अंदर इस मग को रख दोगे, ठीक है? क्या होगा? वो ठंडा पानी जो है वो मग की हीट ले लेगा और आपका दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा, है ना? सो यही यहाँ प्रोसेस हो रहा है। बेसिकली ये जो बीच में जो ट्यूब है, यहाँ पर गर्म है और आसपास है ठंडा पानी। तो ये ठंडा पानी क्या करेगा? बेसिकली बीच वाली ट्यूब की गर्माहट को ले लेगा और इसको कर देगा गैस से लिक्विड में कन्वर्ट। लेकिन अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा, कि ये जो होल है मैम, ये क्यों है? ये दो होल का क्या काम है? क्लास आप खुद सोचो। मैंने ना एक बार मग रखा, मैंने ये तो बहुत ठंडा टेम्परेचर का ये ले रखा था, मैंने एक मग डाला बहुत गर्म, इसने फटाफट से क्या किया, इसकी हीट ले ली और इसको कर दिया ठंडा, ठीक है? मैंने अब क्या किया, दूसरा मग डाला, एक ठंडा हो गया, दूसरा मग डाला, क्या होगा? वो फिर से हीट लेगा इसकी, कर देगा ठंडा। लेकिन ये जो कप की हीट है कहाँ जा रही है? ये कप की हीट वाटर में ही तो जा रही है। वाटर पहले बहुत ठंडा था, हीट लेके थोड़ा सा ठंडा है, और हीट लेगा नॉर्मल है, और हीट लेगा गर्म है, और हीट लेगा बहुत गर्म हो गया। तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी हो सकता है, हो नहीं सकता, होगा। आपका ये जो वेपर है इतना गर्म है कि आपके ये बाहर जो पर्पल में जो लिक्विड है, ठंडा लिक्विड है, वो हीट लेता रहेगा। एक टाइम आएगा कि ये वॉटर भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स गर्म अगर हो जाएगा तो हमारा ये प्रोसेस होगा ही नहीं। गैस लिक्विड में तभी बनती है जब हमारे पास कोल्ड टेम्परेचर आए, तभी हमारे पास ये दो आउटलेट है जहां से हमारे एयर इन वाटर आउट होता रहता है। पानी का टेम्परेचर ठंडा मेंटेन करके रखते हैं कि हमारा गैस से लिक्विड बना रहे। तो जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, हमारे पास ये दूसरे बीकर में आ गया, क्या आ गया? एसीटोन। और इस वाले लिक्विड में, इस वाले फ्लास्क में रह गया वाटर। तो बाय दिस प्रोसेस हमने बहुत अच्छे से दो सब्सटेंस को, दो मिसिबल लिक्विड्स को, बहुत अच्छे से एसीटोन को और वाटर को अलग कर दिया, ठीक है? अभी हम इसको एक एक्सपेरिमेंट, इसी को ही आप, मैंने तो अभी बहुत थ्योरी में बताया है, अब आप देखो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। सो बेसिकली हैव अ लुक, आई जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या हैव अ लुक ओवर हियर। सो नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, दिस इज अ डिस्टिलिंग फ्लास्क, ठीक है? एंड इसके जो नीचे है वो बर्नर था, ये थर्मामीटर है, ठीक है? ये कंडेंसर है, याद रखना पार्ट्स, दिस इज कंडेंसर। अब हमने क्या किया, हम क्या करेंगे, एयर यहां से फायर पास करेंगे, फायर को हम लिट करेंगे और उससे हमारा सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। यहां से कोल्ड वाटर इन एंड आउट हो रहा है, ये दोनों आउटलेट इन एंड आउट। इस फ्लास्क के अंदर है मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। हमने जैसे ही फायर प्रोवाइड करी, देखो यहां आ गया 56 डिग्री सेल्सियस, इवेपोरेट होने लग गया, टेम्परेचर बिकम कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कर दो टेम्परेचर को, यहां पर इवेपोरेट हो रहा है, ये एसीटोन के वेपर आ रहे हैं, यहां से एसीटोन के वेपर जाएंगे। अरे देखो, वेपर थे पानी में कन्वर्ट हो गए। हाउ? पानी में कन्वर्ट हो गए क्लास, क्योंकि
ये जो पूरा फ्लास्क है बाहर है ठंडा पानी, वो ठंडा पानी मेंटेन कर रहा है टेम्परेचर को, गैस को वो लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। तभी आपके पास एसीटोन एक तरफ, वाटर एक तरफ बहुत आराम से आ गया है। ठीक है क्लास, ये पूरे इसका काम है ही यही। यहाँ पर है कोल्ड वाटर, अब ये जब हीट लेगा गर्म ना हो जाए, इसलिए वाटर इन एंड आउट का आउटलेट है कि ये ठंडा रहे और इसके अंदर जो वेपर्स हैं वो लिक्विड बन जाए, और वो लिक्विड फॉर्म में जाएंगे और यहाँ पर वो एसीटोन इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास वाटर रिमेन रहेगा। ये है पूरा डिस्टिलेशन का प्रोसेस का मतलब। हमने लास्ट क्लास में जितना भी पढ़ा, हमने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी थी, हम एक्सपेरिमेंट हम यू नो बीकर को साफ करते करते हमसे तो गलती से एसीटोन पानी में गिर गया। टेंशन की बात ही नहीं है, हम ऐसे प्रोसेस से फटाफट कर देंगे। नेल पेंट रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर भी हम नेल को साफ करते करते नेल पेंट रिमूवर हमसे पानी में गिर गया था, और नेल पेंट रिमूवर था बहुत महंगा, तो डरने की बात नहीं है। हम ऐसे डिस्टिलेशन प्रोसेस से चुटकियों में हम वाटर और एसीटोन को, दो मिसिबल लिक्विड को, बहुत आराम से सेपरेट कर सकते हैं। तो क्लास अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं, अगर आपके एग्जाम में आता है, सो आप डायग्राम बनाओगे, पूरा अच्छे से लेबल करोगे, एंड देन आप यहाँ पर ये दिखाओगे दैट फर्स्ट स्टेप टेक अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। मिक्सचर ले लिया डिस्टिलिंग फ्लास्क के अंदर, वो जो फ्लास्क था ऐसा गोल सा था ना, जो फ्लास्क, उस फ्लास्क के अंदर हमने लिया एसीटोन एंड वाटर, पुट अ थर्मामीटर इन इट, हमने थर्मामीटर पुट कर दिया जस्ट टू सी दी टेम्परेचर कि 56 आ गया, एसीटोन इवेपोरेट हो रहा है। कनेक्ट द फ्लास्क टू अ वाटर कंडेंसर, वो जो फ्लास्क था ऐसे, इसको वाटर कंडेंसर से कनेक्ट करना था, है ना, ऐसे कंडेंसर से कनेक्ट करना था, तो उसको करो कनेक्ट। द कंडेंसर हैज कोल्ड वाटर रनिंग थ्रू इट्स जैकेट, क्या मतलब जैकेट, ये जो पतली सी ट्यूब जा रही थी, बाहर की जो लेयर है वो जैकेट है, तो ठंडा ठंडा पानी उस जैकेट में रन कर रहा है। टू कीप दी टेम्परेचर कूल, किसका टेम्परेचर कूल, गैस का टेम्परेचर कूल रखने के लिए। तो कीप अ बीकर एट दी आउटलेट ऑफ द कंडेंसर, जहां ये कंडेंसर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बंद हो रहा है, यहाँ पर आप एक आउटलेट में एक बीकर रख सकते हो, क्योंकि पानी आ रहा है, अब वो ऐसा नहीं है ना गैस में या आसमान में चला जाएगा, तो पानी है लिक्विड फॉर्म में है, सो वी नीड सम यूटेंसिल सम बीकर कि वहां पर आपका पूरा मिक्सचर, मिक्सचर नहीं, पूरा आपका एसीटोन आगे इकट्ठा हो जाए। हीट द मिक्सचर, कीप एन आई ऑन दी थर्मामीटर, हीट करो बर्नर से, थर्मामीटर को ध्यान से देखो, जैसे ही व्हेन द टेम्परेचर हिट 56 डिग्री सेल्सियस एसीटोन स्टार्ट्स टू वेपराइज, एसीटोन वेपराइज होने लग जाएगा। अब वो जैसे ही वेपराइज होगा, दीज वेपर कंडेंस इन द वॉटर कंडेंस, ये जो वॉटर, ये जो वेपर्स हैं, ये कंडेंस होंगे, कंडेंस इन द सेंस आपके गैस में, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, उन्हें कंडेंस कहते हैं। तो दीज कंडेंस एसीटोन आप कलेक्ट करोगे बाद में बीकर में, कंडेंस एसीटोन लिक्विड फॉर्म ऑफ एसीटोन बीकर में आप कलेक्ट कर सकते हो। व्हेन ऑल द एसीटोन वेपराइज्ड, वाटर इज लेफ्ट इन द फ्लास्क एंड एसीटोन इज कलेक्टेड इन द बीकर, वाटर फ्लास्क में रह गया, एसीटोन बीकर में आ गया, वाटर फ्लास्क में है, एसीटोन बीकर में है, जब पूरा प्रोसेस 56 डिग्री सेल्सियस पे एसीटोन सारा वेपराइज हो गया, आपको अब यहाँ पर वेपराइजेशन दिख ही नहीं रहा है, अब आपके पास बिल्कुल प्योर वाटर है, प्योर एसीटोन है। ठीक है, इन दिस वे एसीटोन एंड वाटर गेट सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन, जस्ट ये छोटा सा स्टेप करना है। सेटअप बहुत अच्छा सेटअप है, इतना बड़ा सेटअप है, बट बहुत चुटकियों में ये काम हो जाएगा और आपका एक वाटर एंड एसीटोन बहुत आराम से सिंपली आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन क्लास अभी आपको लग रहा होगा, मैम हमने जो बहुत पहले एक्सपेरिमेंट करा था उसके इतने ड्रॉबैक्स हैं, इसके नहीं है कोई ड्रॉबैक्स, इसके भी ड्रॉबैक्स हैं। क्या है इसका ड्रॉबैक,
First, it fails to separate mixture where the difference in boiling point is less than 25 degrees Celsius. अगर कोई मिक्सचर है, मैंने क्या बोला, मिसिबल लिक्विड, जरूरी नहीं है हमेशा एसीटोन और वाटर हो जिसमें एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस हो और वाटर का 100 डिग्री. अगर कोई और मिक्सचर जिसका यू नो बॉइलिंग पॉइंट 25 से कम है, देन उसमें ये बहुत यू नो फेल हो जाएगा ये एक्सपेरिमेंट सेपरेट करने में उस सब्सटेंस को एंड बाकी सब्सटेंस बाकी मिक्सचर के सब्सटेंसेस को अलग करने के. तो ये इसका पहला ड्रॉबैक है. सेकंड, सिंपल बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन कैन नॉट बी यूज्ड टू अचीव 100% ऑफ सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर. आपका 99% हो जाएगा बट वी इवन कैन से कि आपका 100% यहाँ पर पूरा आपके पास वाटर अलग है एंड यू नो एसीटोन अलग है. 99% अलग है बट 100% नहीं, ठीक है, क्योंकि वो वेपर है. आपको यू हैव टू सी, यू हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर. वेपर आपका वाटर भी वेपर भी हो सकता है ना, या फिर एसीटोन भी कुछ वेपर हो रहा था, आपने रोक दिया एक्सपेरिमेंट तो वो वाटर में ही मिक्स रह गया. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 99% भी, 99% आपका सेपरेट हो जाता है, 100% नहीं होता है. इट वो होता है ना जो डिटॉल की सफाई, वो हमेशा 1% कम होता है. तो यहाँ पर भी वही सीन है, 99%. इट फेल इन केस द मिक्सचर कंटेन टू मेनी इम्प्योरिटीज. अभी हमने तो दो इम्प्योरिटीज देखी, एसीटोन और वाटर. चलो अगर तीन भी आ जाती है तब भी सेपरेट कर सकते हैं कुछ हद तक. बहुत सारी इम्प्योरिटीज कर दो भाई, आपने 7-8 डाल दी, कैसे सेपरेट करोगे? सबके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करोगे, है ना, नहीं कर सकते. तो तब ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है. आप बिल्कुल इनको सेपरेट नहीं कर सकते. अगर एक से ज्यादा, नॉट एक, 2-3-4 इतना भी ठीक है, उससे भी ज्यादा बहुत सारी इम्प्योरिटीज आपने ऐड कर दिए, देन आप सेपरेट नहीं कर सकते. तो क्लास आज तक, आज का जो पूरा सेशन था वो हमने पूरा डिस्टिलेशन के बारे में डिस्कस करा है. तो डिस्टिलेशन प्रोसेस, आई होप नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन. हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, बेसिक से लेकर एडवांस तक. हमने नोट्स भी मिले हैं हमें, है ना, नोट्स क्या ड्रॉबैक है, क्या प्रोसीजर है. हमने एक्सपेरिमेंट्स भी देख लिए, एक्सपेरिमेंट कैसे होता है. हमने अपने रियल लाइफ के साथ रिलेट भी करके देख लिया कि अगर हमारे साथ लाइफ में ऐसा कभी होता है तो हमें डरना नहीं है, हमें हार नहीं माननी, हमें ट्राई करना है. आपको प्रोसेस पता चल गया है, आप ट्राई करो. आपको यू कैन सेपरेट एनी सब्सटेंस इजिली बाय ऑल द प्रोसेसेस दैट वी आर स्टडिंग. सो क्लास, अब आप एक बार घर पे ये एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हो. अगर आपके पास इक्विपमेंट्स है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट. एंड करने से पहले एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि आप बिल्कुल भी भूलो नहीं, हमने जितना भी दो क्लास में पढ़ा है, यू नो डिस्टिलेशन का हमने दो क्लासेस में कवर करा है. एक क्लास में हमने इंट्रोड्यूस किया है, दूसरे क्लास में हमने एक्सपेरिमेंट करा था. तो अब हम एक बार रिकैप कर लेते हैं. तो बेसिकली डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक है, सेपरेशन टेक्निक है जिसमें आप सेपरेट करते हो मिसिबल लिक्विड्स को. किसके बेसिस पे? बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे आप सेपरेट करते हो. जहां हमारे पास था एसीटोन और वाटर, एसीटोन का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट था 56 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस. ये दोनों थे मिसिबल लिक्विड. तो ऐसे प्रोसेस में हम डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करेंगे और हम इजीली सेपरेट कर सकते. सिंपल डिस्टिलेशन इज यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर वेयर द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25. हमारा बॉइलिंग पॉइंट 25 से ज्यादा होना चाहिए तभी हम इजीली मिसिबल सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर 100 डिग्री सेल्सियस. देन वी डिस्कस अबाउट दिस फुल एक्सपेरिमेंट, फुल सेटअप ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस. तो बेसिकली ओवर हियर हमने सेटअप देखा. यहाँ पर है हमारे पास बर्नर, यहाँ पर है हमारे पास डिस्टिलिंग फ्लास्क, थर्मामीटर, कॉर्क, कंडेंसर, वाटर आउट, वाटर इन इनलेट, एंड देन हमारे पास है यहाँ पर अगेन वन मोर फ्लास्क एंड इन बिटवीन सपोर्टिंग स्टैंड. तो ये है हमारे पास कुछ सेटअप.
देन कैसे ये वर्क करता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। यहाँ पर ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है, बेसिकली ये क्या है, ये आपका आता है एसीटोन और वाटर का क्या है, मिक्सचर है। यहाँ पर जैसे ही हम बर्नर से आग फायर प्रोवाइड करेंगे, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है कम, एसीटोन इवेपोरेट करेगा, वाटर नीचे ही रहेगा। आप थर्मामीटर से चेक कर सकते हो, 56 डिग्री सेल्सियस जैसे ही आएगा यहाँ पर एसीटोन हो रहा है इवेपोरेट, एंड एसीटोन इस वाइट लाइन, ये जो कंडेंसर है इसके अंदर आ रहा है। अब यहाँ जैसे ही इसके अंदर एंटर किया, गैस वेपर फॉर्म में यहाँ बन जाएगा लिक्विड फॉर्म में। क्यों? बिकॉज ये जो इसकी जैकेट है, ये जो ब्लू कलर का पानी दिख रहा है, ये ठंडा पानी है। इसके अंदर यहाँ ये ठंडा पानी मेंटेन रहता है, पानी इन और वाटर आउट जाता रहता है। ये हीट इस ट्यूब की हीट, ये जो गैस की हीट है, यहाँ से ये पानी उसकी हीट ले लेता है और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट बहुत इजीली कर देता है। तो जैसे ही कंडेंसर के अंदर आया तो क्या हुआ, हमारे एसीटोन वेपर से बन गया एसीटोन लिक्विड, और कंडेंसर से पास होते होते वो हमने आगे ये ओपन जो डक्ट है यहाँ पर हमने एक और बीकर रखा हुआ है, क्योंकि अब हमारे पास एसीटोन का वेपर फॉर्म में नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है, तो ये नहीं होता तो यहाँ पर वो पूरा बिखर जाता। इसीलिए हमने यहाँ एक फ्लास्क रखा है, बीकर भी रख सकते हो, जहां पर आपके पास आ जाएगा एसीटोन। तो यहाँ आपके पास आ गया एसीटोन, यहाँ आपके पास आ गया वाटर। तो ऐसे क्लास हम 100% तो नहीं हम बिल्कुल सेपरेट कर सकते, बट 99% आप सेपरेट इसको कर सकते हो, वाटर वाटर एंड आप एसीटोन को बहुत अच्छे से सेपरेट इसी सेटअप से आप कर सकते हो। तो ये था हमारा रिकैप। अगर आपको कोई भी डाउट है डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर, आप बिल्कुल बेझिझक मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है, सो कोई भी इतना सा भी डाउट है सो प्लीज डोंट जस्ट थिंक कि मैम क्या सोचेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे, बेझिझक लिख दो कमेंट बॉक्स में। आपको कुछ भी डाउट नहीं या फिर कुछ अच्छा लगा इस सेशन के बारे में, इधर कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखो। या आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट क्लास किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे लूं, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यू कैन टेल मी, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक ऑन योर कमेंट। एंड क्लास इफ यू रियली लाइक दिस सेशन, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, इफ यू रियली लाइक दिस सेशन सो प्लीज क्लिक ऑन द थंब ऑप्शन एंड प्लीज शेयर दिट। लाइक तो करो ही करो एंड शेयर इट। वाई टू शेयर? बिकॉज अगेन you will be helping others also to clear their basic points. हम केमिस्ट्री में क्या कैसे हमारे processes होते हैं, basic से advanced में जा रहे हैं, so share it as much as you can and class subscribe it so that whenever we will be having our new class, so you will be getting a notification related to it. ठीक है class, so don't forget to like, share and subscribe. And the most important thing, download the Unacademy Learner app and use this code RAY10 because it will give you flat 10% off. So you can download this app, Unacademy Learners app, जहां पर आपको फोकस एरिया और इंक्रीज करा जाएगा, आपको एजुकेटर्स एंड अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स वहां पर नोट भी आपको फ्री में प्रोवाइड होंगे, आपके डाउट सेशंस रखे जाएंगे, आपके लाइव क्विज सेशंस, टेस्ट सीरीज आपको यूट्यूब में सिर्फ पढ़ पा रहे हो, ठीक है, बाकी आपको खुद करना पड़ रहा है, पूरे टाइम कंटेंट ढूंढने में ही टाइम निकल जाता है। लेकिन अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ये जो टाइम वेस्ट आपका होता है सर्च करने में वो नहीं होगा, नोट्स आपको मिल रहे हैं, आपका सिर्फ काम होगा पढ़ना और रेगुलरली क्लासेस में आना। ठीक है क्लास, सो फॉर द टाइमिंग प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय, लेट्स क्रैक इट।